हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे किस तरह से आप अपनी जिंदगी में हेल्दी बने रह सकते हैं, और इसके लिए कुछ ऐसे सुपर फूड्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत गजब के फायदे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों अक्सर हम सोचते हैं कि हेल्दी रहने के लिए हमें महंगे महंगे सप्लीमेंट्स चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, क्या हमें इनकी जरूरत है। दोस्तों बात यह है कि ऐसी बात नहीं है। यदि मैं आपसे सच बात बताऊं, कुछ नेचुरल फूड्स ऐसे हैं जो ना केवल सस्ते हैं बल्कि इनके इतने गजब के फायदे हैं और इनके गुणकारी हैं कि आपको फिर सप्लीमेंट्स और दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो आप नेचुरली अपने फूड में ऐड कर सकते हैं। तो मैं आज बात करूंगा कुछ ऐसे चार सुपर फूड्स की जिन्हें अगर आप यूज करते हैं तो आपके शरीर को नई एनर्जी मिलती है और आपको बिल्कुल फिट फाट बना देता है। इनके अंदर बीमारियों से लड़ने की बहुत गजब की ताकत होती है, और अगर आप इसे अपनी डाइट में डेली यूज करते हैं तो ये आपको बहुत गजब का फायदा देगा। ये आपके किचन में मौजूद होता ही होता है और आप इसको डेली यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला सुपर फूड है बादाम। जी हाँ दोस्तों, बादाम आप सभी ने खाए होंगे, लेकिन क्या आप इसके स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों बादाम में पाए जाने वाले विटामिन ई, मैग्नीशियम और फाइबर आपके दिल के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये आपके दिल को हेल्दी रखता है, साथ ही साथ आपके स्किन को भी निखारता है। बादाम के नियमित सेवन से न केवल आपकी याददाश्त बेहतर होती है बल्कि ये आपके बालों की सेहत के लिए भी बहुत गुणकारी होता है। बात करें कि बादाम को खाने का बेस्ट तरीका क्या है, तो दोस्तों बादाम को आप रात भर पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए। और बादाम को रात भर पानी में भिगोकर रखने का जो साइंस है वो ये है कि अगर आप बादाम को पानी में भिगोकर रखते हैं रात भर, तो इससे बादाम में जो मौजूद एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि फाइटिक एसिड कम हो जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी में जो पोषण तत्व हैं न्यूट्रिएंट्स के अब्सॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होता है। तो बादाम बहुत काम की चीज़ है, आप डेली इसे रात को पानी में भिगोकर रखें। एक अडल्ट इंसान कम से कम 3 से 4-5 बादाम खा सकता है भीगे हुए, आप उस हिसाब से खाइए, और जितनी जिसकी फिजिकल एक्टिविटीज है उसके अनुसार आप अपनी डाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। अगला सुपर फूड है अंजीर। जी हाँ दोस्तों, अंजीर एक बेहतरीन फाइबर का सोर्स है, ये आपके डाइजेशन को बिल्कुल सही रखता है। इसके अलावा अंजीर में जो मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, और आपकी हड्डियाँ अंदर से ही बहुत मजबूत बनती हैं। तो अंजीर का सेवन अगर आप करते हैं और इसको करने के लिए आप रात भर से पानी में भिगोकर छोड़ देते हैं, तो इससे इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं और भी ज़्यादा आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। अंजीर ना सिर्फ आपके डाइजेशन को सुधारता है बल्कि ये आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। इससे आपके स्किन और बाल एकदम हेल्दी रहते हैं और आप हमेशा ग्लो करते हैं। इंटरनली आपके पेट को बिल्कुल फिट फाट रखता है क्योंकि अंजीर में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तीसरे नंबर का सुपर फूड है अखरोट। जी हाँ, अखरोट एक ऐसी चीज़ है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में होते हैं, ये उसका एक बेहतरीन सोर्स है। और अखरोट का सेवन करने से ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपका ब्रेन हेल्दी रहता है, साथ ही ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, आपका दिल भी हेल्दी रहता है, आपके हार्ट डिजीज होने का खतरा बहुत कम हो जाता है बिकॉज इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छी मात्रा में होता है। दोस्तों अखरोट में मौजूद न्यूट्रिएंट्स जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई आपकी स्किन को हमेशा जवां और ताज़ा बनाए रखते हैं। इसके अलावा अखरोट आपकी याददाश्त को तेज करने में बहुत काम आता है। तो अखरोट आपकी याददाश्त को बहुत तेज करता है और आपकी ब्रेन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। और लास्ट में जो कमाल का सुपर फूड है किशमिश। जी हाँ दोस्तों, किशमिश एक बहुत ही गजब की चीज है। किशमिश जो कि सूखे हुए अंगूरों से बनता है, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, पोटेशियम, फाइबर होता है। किशमिश को अगर आप यूज करते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो ना केवल आपकी एनर्जी लेवल में बहुत इंक्रीज होता है बल्कि ये आपके बीपी की जो भी समस्याएं होती हैं यानी कि ब्लड प्रेशर से जुड़ी भी जो भी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल कंट्रोल में रखता है और आपको हमेशा हेल्दी बनाए रखता है। किशमिश में जो मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जो बोरॉन आपकी बॉडी में जाता है ये आपके कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, जिससे कि आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं। और किशमिश के सेवन से आपके दांत, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के जो बोन्स बहुत मजबूत होती है, उनकी सेहत काफ़ी इंप्रूव होती है। तो दोस्तों ये सारे सुपर फूड्स एक से बढ़कर एक हैं और इनको एक साथ कैसे यूज करें ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों रात को सोने से पहले आप एक कटोरी लीजिए, उसमें कुछ बादाम, 1-2 अखरोट की गिरी पानी में भिगोकर रख दीजिए। एक दूसरी कटोरी लें जिसमें आप 2 अंजीर और कुछ किशमिश के दाने आप डालें और उनको भिगोकर रख दीजिए। तो दोनों कटोरी अलग अलग हो गई, आपने भिगोकर सब कुछ रख दिया। सुबह उठने के बाद इसे अच्छी तरह से धो लें, पहले बादाम का छिलका उतारें,
फिर ये सभी चीजें एक साथ खाएं। इससे ना केवल आपका जो डाइजेशन है, पाचन तंत्र बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा, बल्कि आपको दिन भर अपने अंदर एनर्जी का एहसास होगा, आपको खूब ऊर्जा फील होगी अपने अंदर। आप चाहें तो जो अंजीर और किशमिश का पानी है वो पी भी सकते हैं, ना चाहें तो आप बस उसको खा लीजिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। दोस्तों ये कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं जिनको आप डेली अगर डाइट में शामिल करते हैं, ये आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत हेल्पफुल है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो और आज की जानकारी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि जिनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों आपके मन में कोई सवाल हो तो प्लीज़ कॉमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं कि कौन सा सुपर फूड आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे नीचे जाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही फायदेमंद वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। दोस्तों आपका एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है ऐसे ही फायदेमंद वीडियोस आपके पास लेके आने के लिए। दोस्तों आप सभी ने मुझे अपना समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में जाके पूछिए, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना समय दिया, धन्यवाद।